एक बार जोरदार तालियां हरमन प्यारे सारा नगर जानना है धीरू सारे जानते हैं अपने नगर की शख्सियत मेला बहुत बहुत धन्यवाद उन्हों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उल्लास हरियाणा न्यूज पर और सिवा हरियाणा न्यूज पर। आज हम इस वक्त खड़े हैं पीपल धाम में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओकेजन है। बात करेंगे आगे, प्रधान जी भी हमारे बीच मौजूद है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी क्या ओकेजन है, एक बार डिटेल से बता दीजिए। वैसे जी अपना जो मेला लग रहा है 21 साल से मेला लग रहा है अपना, आंखों का कैंप लगाते हैं। आंखों के कैंप में आई बार 120-130 की आंख बनती है और बड़े बड़े पुण्य करने वाले बड़े बड़े दानी आते हैं, जो अपने अपने आए हैं, कुछ भी आए हैं। ऐसे से आदमी की जो समाज सेवा हमने को बहुत लोड है, बहुत जरूरत है। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने देखा सुना, हम बरते भी ऐसे अनेक बंदे हैं, लैक बंदे हैं। ऐसा बंदा तो कोई कोई मिलता है। इन्होंने अपने हमने सुना था धरने में जो बहुत सहयोग दिया था, आए मेले इनका दान 25,000-30,000 रुपया दान करते थे, इसलिए हम गए। आपको इनको मिले बहुत शांति मिली, बहुत बढ़िया लगे। हम कह भी इस आदमी को हम अपने मंत्री बनाए, अपने हल्के का अपने नरवाने का मंत्री बनाए, अब बना के मंत्री अगे लाए। इसी से मंत्री चाहिए हम, ये ऐसे मंत्री आ जाएंगे अपने हरियाणा का कुछ बन जाएगा। यहाँ पर पहुंचने शिक्षा भी पीएचडी और किसान आंदोलन में किसान मजदूर की आवाज बुलंद करने वाले अंकुश पुरोजा रेवर जी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी आपको और आपके सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से राम राम। सर इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज हम पीपलदा की पवित्र धरा पे खड़े हैं पीर बाबा की, और यहाँ पे शासन शाह पीर जी की पूरी कमेटी ने आज एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम किया, एक मेला लगाया है। और ये पिछले कई सालों से यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन होता है जी, लगभग 120-130 लोगों का हर साल, और एकदम मुफ्त कराते हैं इनका ट्रस्ट। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच आज भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भावना से। सर प्रधान जी ने बताया है जब ये आपको इनवाइट करने के लिए गई थी इस अवसर पर, तो आपने तुरंत हाँ कर दिया था और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या मन में रहा था? देखिए मेरे मन में यही था कि एक सौभाग्य की बात होती है। पहले तो इनके बारे में जब सुना, मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँ इस पवित्र धरा पे, और जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं अगर उसमें थोड़ा योगदान मेरा भी रहे तो ये बहुत कम लोग होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त। पर प्रधान जी ने अभी बात करते हुए कहा कि अंकुश पुरोजा जैसा मंत्री होना चाहिए, हरियाणा हल्के से MLA होना चाहिए, तो इनकी इस प्रतिक्रिया पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आवाज देना नहीं उठनी अब शुरू हो चुकी है लोगों में। देखिए मेरा यही कहना है कि अगर आप सभी का आशीर्वाद और प्यार बना रहे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ सेवा करूँ, और जहाँ आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उस मुकाम पर खड़ा हूँ। सुन पा रहे थे आप बात सुरोचा रिवर को, और एक बड़ा और अच्छा मैसेज जिन्होंने यहाँ पर तमाम गाँव के बीच शासन साहब पीर से दिया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल धन्यवाद चाहिए।